ठीक है ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। मजाजुल साहब का भी रुख कर लेते हैं, वो भी बने हुए हमारे साथ। मजाजुल साहब, क्योंकि खवातीन जो है वो भी तलाशती हैं कि इबादत का सही तरीका क्या है, एतकाफ पर बैठने की बात करती हैं। हम देखते हैं कि मसाजिद ना सही, घर में कई खवातीन कई बार अपनी मर्जी जाहिर करती हैं कि एतकाफ में बैठना चाहती हैं। क्या हुक्म है खवातीन के हवाले से, किस तरह से इबादत की जाए? जी बहन, असल में कुरान जो है वो ये कहता है कि कुरान के औरतों को या मर्दों को एहतिकाफ जो है वो मस्जिद में करना चाहिए। तो हमारे जो मुतवल्ली हजरात हैं, जो मस्जिदें बनाने वाले हैं, वैसे तो एहतिकाफ की एरिया जो है वो मस्जिदों में औरतों के लिए अलग से होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी औरतों को एहतिकाफ कराते थे, क्योंकि उनके तो हुजरे ही मस्जिद नबवी में थे। लेकिन अब क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और पर्दे का बहुत बड़ा मसला है, तो औरतें इसीलिए उलमाए दीन ने इन्हें घरों में एहतिकाफ करने की इजाज़त दी। लेकिन एहतिकाफ का सही मफहूम यह है कि सिर्फ आप तिलावत में ना लगी रहें, बल्कि इसे बांट लें अपने टाइम को। जो दुआएं मनकूल हैं और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी पढ़ें तो वो एहतिकाफ किस तरह काटती थी। असल में वो लोग तो कुरान के आलिम भी थे और हामिल भी थे। तो हम क्योंकि सिर्फ कुरान का जो है वो तिलावत करते रहते हैं रट्टू तोतों की तरह से, ये अल्लाह को पसंद नहीं है बात। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि मेरे जो असल बंदे हैं वो अंधे बैरों की तरह मेरी आयतों पे नहीं घुरते। सूरह फुरकान की आयत है, सूरह मोहम्मद की 24 नंबर आयत में कहा कि क्या हो गया इनके इन लोगों को, इनके दिलों पे ताले लग गए कि कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। तो ये चांस है औरतों के लिए भी कि जो जबान भी उन्हें आती हो उसमें कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े और ये देखें कि हमारा मालिक और खालिक कुरान भेजने के पीछे क्या मंशा रखता है, उसने क्यों कुरान भेजा। आप यकीन करें पढ़ती भी चली जाएंगी ना तो अल्लाह बहुत कुछ समझा देगा। और अगली बार में इंशाल्लाह निशान लगा लें जो चीज समझ में आए अपने किसी जानने वाले उलमाए दीन से, या बहुत तफसीर अब तो नेट पे पड़ी हुई है उससे चेक कर लें। लेकिन इस रमजान में अगर जो लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं, तिलावत कम करें अल्लाह के वास्ते, लेकिन तर्जुमा ज्यादा पढ़ें। देखो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि एक आयत समझ के पढ़ना 100 नफलों से बेहतर है। 100 नफलों में अगर छोटी से छोटी आयत आप जो है अलहम्दु शरीफ 7 आयतों की हो गई, और छोटी से छोटी सूरत अगर आप पढ़ती हैं तो 3 आयतों पे मुश्तमिल है सूरह असर। अगर आप इन्हें दोनों को जोड़ें तो 10 आयतें एक रकत में बनती हैं। और हुजूर ने फरमाया 100 नफलों से बेहतर, मतलब 1000 आयतों की तिलावत से बेहतर है एक आयत को समझ के पढ़ना। इसीलिए मैं बार बार इस पूरे रमजान में अपने साथियों को और सब लोगों को ये जोर दे रहा हूँ कि चाहे तर्जुमा जो है वो आप ज्यादा ज्यादा पढ़ें, तिलावत चाहे एक रुकू ही कर लें लेकिन तर्जुमा एक पारे का करें, तो इंशाल्लाह उससे फिर आपको पता लग जाएगा। और तस्बीहात अपनी तोबा, जो नमाजों में कोताही रह गई अल्लाह से उसकी तोबा करें, ज्यादा ज्यादा नवाफिल पढ़ें, क्योंकि ये महीना ऐसा है तोहफे का, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात अपने रसूल के जरिए फरमा दी कि जो नवाफिल हैं उनका अजर फर्दों के बराबर है। तो हमसे जो फर्दों में कोताही हुई होगी अल्लाह करे उसका कंपलसेशन जो हम नफिल इस टाइम पढ़े उससे हो जाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ, खुद भी यही कोशिश करता हूँ। तो इसलिए हमारी जो बहनें बेटियां माएँ जो एहतिकाफ में बैठे वो ये कोशिश करें कि अपना ज्यादातर वक्त जो है वो सिर्फ अल्लाह में लगाएं। कोई औरत बिल्कुल इबादत में इतने मशगूल रहे, बिल्कुल बेशक।